वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS मोटर के लेवल्स के बारे में, जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। और इसमें अभी जो भी लेवल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है इसमें हमने पहले जो कहा था उसका आपको प्रूफ दिखाना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये TVS मोटर शॉर्ट वीडियो में हमने जैसा फोरकास्ट किया था एग्जैक्टली इसके प्राइस में वैसा ही एक बार नहीं तीन तीन बार हुआ है। उसके प्रूफ के लिए आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जब ये डाउन लेवल में था तब हमने कहा था कि ये अपर इस लेवल में जाएगा और वहाँ से थर्ड लोअर हाई बना के नीचे आएगा, और प्राइस में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जब ये इस लेवल में था हमने कहा था यहाँ से एक्सपेक्टेड, ये हमने जो फोरकास्ट किया था वो कहा था कि यहाँ से एक लोअर हाई बनाएगा और वहाँ से प्राइस नीचे आएगा, तो एग्जैक्टली यही हुआ। तो अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में TVS मोटर में क्या होने की हायर पॉसिबिलिटी है उसे डिस्कस करते हैं। TVS मोटर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका अवर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियरली दिख रही होगी कि ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर बार बार मिल रही है वो बायस के कंपेरेबिलिटी में हाई है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वहाँ से डाउन साइड बना रहा है, और जो ऊपर जा रहा है वो जो हाई है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यह है कि ये जो सपोर्ट लाइन जो हमने इंट्राडे में आपके साथ डिस्कस भी किया था, जहाँ से ये वाली रैली हुई थी, ये सपोर्ट लाइन अब वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सपोर्ट लाइन में उतनी ताकत नहीं है कि अब ये प्राइस को बार बार अपर साइड के लिए पुश कर पाए और फिर से प्राइस को ऊपर ले जाए। तो इसीलिए जो 114.15 का जो लेवल है एज ए सपोर्ट, वो उसने वर्क किया, आपने अच्छा इसमें कमाया भी होगा, जो कि हमने इंटरडे में डिस्कस किया था। लेकिन अब इस लेवल को इग्नोर करें। अब स्टॉक में हो सकता है कि ये लेवल फिर से अगर मार्केट गैप अप हो ओपन हो तो थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स ले सकता है, बट अगर अगेन इस लेवल को टच करें तो इस बार इस सपोर्ट लेवल को पूरी तरीके से इग्नोर करें। इस बार TVS मोटर में आप जो नीचे के सपोर्ट लाइंस हैं उसे नोट करके रखें, क्योंकि ये जो लेवल मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो केवल मंडे के लिए नहीं है, पूरे मंडे से लेकर फ्राइडे किसी भी दिन अगर ये लेवल टेस्ट होते हैं, टच होते हैं, तो वो आपके काम आने वाला है। इसलिए जो 1094.3 और 1088.45 ये जो लेवल है उसे नोट करके रखें। प्राइस लेवल थोड़े दूर है, लेकिन क्योंकि पूरे वीक के लिए लेवल्स हैं तो इसीलिए इन लेवल्स को आपको नोट करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 114.15 का लेवल इसके नीचे में प्राइस सस्टेन करता है तो ये धीरे धीरे इस लेवल को ज़रूर टच करेगा, और अगर इस लेवल में आता है तो यहाँ पर फिर से एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो इसीलिए 1093.15 1088.45 ये जो लेवल है इसे नोट करके रखें। डबल ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पर है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लंबे ड्यूरेशन से ये एक चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है, और इस चैनल का जो ये वाली लाइन चली आ रही है ये सपोर्ट लाइन भी इसी एरिया में जाकर मिल रही है, और वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ इस तरीके से डबल ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है।